न्यूज में आज देखिए, कोटा में लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला से बीके सदस्यों ने की मुलाकात। मुख्यालय में होने वाले राजनीतिज्ञ प्रभाग के सम्मेलन में विशेष आमंत्रण। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में, मैं हूं तुलसी। ओम बिरला से मुलाकात की खबर के अलावा बुलेटिन में आज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रशासक प्रभाग का ट्रेनिंग प्रोग्राम। देश भर से जुटे प्रभाग के कार्यकारी सदस्य। भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के ज्वाइंट सेक्रेटरी चांद शेखर मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के राष्ट्रीय कार्यालय में विशेष कार्यशाला। बीके पीयूष ने कार्यस्थल पर खुश रहने के सुझाए कई तरीके। और आखिर में यूके के लेस्टर में द ब्यूटी ऑफ कर्मा विषय पर यूरोप की निदेशिका बीके जयंती ने लोगों को किया संबोधित। वर्तमान समय को बताया कार्मिक अकाउंट को सेटल करने का सुनहरा अवसर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के कोटा में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला एवं बीके सदस्यों ने लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस अवसर पर बीके बहनों ने उनका तिलक, बैज, गुलदस्ता देकर एवं शॉल ओढ़ाकर अध्यक्ष पद की बधाई दी। साथ ही मुख्यालय में राजनीतिज्ञों के लिए होने वाले सम्मेलन में आने का निमंत्रण भी दिया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रशासक प्रभाग द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हुई, जिसमें देश भर से आए कई बीके सदस्यों ने भाग लिया। इस ट्रेनिंग का शुभारंभ प्रभाग की चेयरपर्सन बीके आशा, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, दिल्ली के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लक्ष्मी, गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल, ORC की राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन ने किया। ट्रेन द ट्रेनर्स नामक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में देश भर से आए बीके सदस्यों को बीके ब्रिजमोहन, बीके आशा, बीके हरीश समेत कई फैकल्टी मेंबर्स ने कई महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान खिंचवाया। जो भी हमारा विषय होगा उसके बाद अच्छा होगा हम उसके ऊपर अपना मनन चिंतन करें, अपने उदाहरण निकालें, अपने अनुभव ऐड करें और फिर उसको प्रेजेंट करें। इससे आपको अपने पर भी कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरों को जब सुनाने के लिए खड़े होंगे तो उसको भी बहुत आत्मविश्वास से सुना सकेंगे। सबसे बेस्ट मैनेजमेंट वो होता है जिसको सबसे कम मैनेज करना पड़े, अपने आप चलता रहे। बस एक बार ही स्टार्ट कर दिया, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो शिव बाबा ने जो नई दुनिया बनाई उसमें कोई आपको एडमिनिस्ट्रेटर मिलेंगे, हैं, IAS ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर या जो भी बहन जी कह रही है, मिनिस्टर, पॉलिटिशियन मिलेंगे क्या? तो किसके हाथ में होगा सारा कुछ? एक महाराजा और एक महारानी। समय के प्रमाण, ऑडियंस के प्रमाण, स्थान के प्रमाण, हमें जो दूसरों को ज्ञान देना है, ज्ञान तो बाबा का है लेकिन ज्ञान देने की कला जो है वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। मैं समझती हूँ कि जो ट्रेनिंग होती है वो हमें किस बात का ज्ञान जरूर देती है कि हमारे अंदर में जो ओल्ड थिंग्स हैं, हाउ टू प्रेजेंट देम इन अ न्यू वे। इस ट्रेनिंग में भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के ज्वाइंट सेक्रेटरी चांद शेखर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनसे बीके हुसैन ने चर्चा की। आइए दिखाते हैं कि चांद शेखर ने क्या कहा। हमारा मानना यही है कि हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में भी जो आगे जो रास्ता दिखाएगा वो हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस ही रास्ता दिखाएंगे और इसमें आप लोग ही जो गाइडेंस देंगे सोसाइटी को। हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन में डे टू डे प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं, बट जो लार्जर पिक्चर है, जो ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग है, वो सब आप लोगों के पास ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और इसी नॉलेज को चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज़ करे। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंत में कई प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी सुनाए।
ऑफिसर्स यहाँ आकर के देखते हैं जब इन बहनों का स्टेमिना क्या है, पोटेंशियलिटी क्या है, ये लोग क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बातें जाती हैं और वहाँ के लोकल लोग भी आपको इनवाइट करने लगेंगे। अगर हम में उतनी दक्षता होगी, हम उतने ट्रेंड होंगे, तो उन लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बता सकेंगे। अगली खबर राजधानी दिल्ली की है, जहां सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के BCAS माना नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के राष्ट्रीय कार्यालय में विशेष कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यस्थल पर प्रसन्नता, इस गहन विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु लोधीगोड़ सेवा केंद्र से आए तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ एवं मुख्य वक्ता बीके पीयूष ने अपने रोल को बनाने वाले दो चॉइसेस रिटेलिएट और रिस्पॉन्स के बारे में बताया। I got two choices. Choice number one, let me retaliate. Tit for tat. उसने एक बारी गुस्सा किया, मैं पांच बारी करता। No solution. Things are getting multiplied. Negative energy is flowing everywhere. But what meditation says, you need not to. You have to give your response. What is your response? उसने गुस्सा किया, वो उसका पार्ट। इस मौके पर राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता ने मेडिटेशन की सही परिभाषा स्पष्ट की, तो वहीं IPS ज्योति नारायण ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए संस्था के कार्यों की सराहना की। I'm not aware about this central government, but the state government in Gujarat, right. They have permitted to take 10 days official leave. Oh my goodness. For Vipassana and other meditation programs. I don't know whether it is applicable there or not. Still, people can find out time and visit you. And I must personally thank you all that you have. Meditation is a way where we go inside and feel that original feeling of peace and happiness. अब खबर मध्य प्रदेश की, जहां जबलपुर में मोनोपॉज सोसाइटी द्वारा 35 प्लस क्लब की महिलाओं के लिए कृष्णा होटल में विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें तनाव प्रबंधन विषय पर उद्बोधन देने के लिए ब्रह्मा कुमारी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में एक और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे, सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर स्वराज नायक, सचिव डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव समेत सभी अतिथियों को पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए एक्सरसाइज भी कराई गई। कार्यक्रम में नेपियर टाउन सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने राजयोग से जुड़े कुछ गहन पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कमेंट्री के माध्यम से परमात्म अनुभूति कराई, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का आह्वान किया। इसके बाद खबर विशाखपट्टनम की, जहां HPCL रिफाइनरी में ब्रह्मा कुमारीज के रेलवे न्यू कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें बीके नागेश्वर राव ने मेडिटेशन द्वारा मन को स्वच्छ बनाने का तरीका बताया, तो बीके रमेश ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। जैसे मन के अंदर ही शांति है, मन के अंदर ही पवित्रता है, मन के अंदर ही प्रेम है, मन के अंदर ही आनंद है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर ढूंढते हैं। और परमपिता परमात्मा वो पवित्रता का सागर है, वो पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में पड़ रहे हैं, आत्मा में पवित्र होते जा रहा हूं। सेमिनार के दौरान HPCL के DGM M. रामन्ना मूर्ति, ऑपरेशंस मैनेजर मिस्टर भास्कर ने ट्रेनिंग की सराहना की और बीके सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। फॉक्सी यानी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया व ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित वेलनेस ऑफ व्यूमेन प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के बारसी में एक कदम कैंसर बचाओ की ओर अभियान विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट की संचालिका डॉक्टर शुभधा नील ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का मूल कारण मोटापे को बताते हुए प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वस्थ रहने के कई उपाय बताए, साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज भी कराई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रकाश ढाड़े, डॉक्टर अनंत माने, लायंस क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर क्षमा पाटिल, इनरविल क्लब की अध्यक्षा भारती पल्लोड,
रोटरी क्लब के अध्यक्ष प्रमोद काड़े, लायंस क्लब के अध्यक्ष वासुदेव ढगे, राजस्थानी महिला मंडल अध्यक्ष तारा सोमानी समेत कई गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। तो वही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता और सोलापुर क्षेत्र की संचालिका बीके सोम प्रभा ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, जहां वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर पर भव्य कार्यक्रम दिव्य संस्कार भवन में संपन्न हुआ। गाडरवारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला, करेली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज एवं कई बीके सदस्यों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर हुआ। इस अवसर पर केक कटिंग के साथ नृत्य प्रस्तुतियां भी दी गई। साथ ही कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सेवा केंद्र के इतिहास की स्मृतियों को पुनर्जीवित किया। आगरा के संजय पैलेस में योग पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी एनजी रवि, मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र कुमार, महापौर नवीन जैन ने ब्रह्मकुमारीज आर्ट गैलरी म्यूजियम की बीके मधु समेत अन्य बीके सदस्यों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। समारोह के दौरान बीके मधु ने बताया कि जैसे शरीर के लिए योग महत्वपूर्ण है, वैसे ही राजयोग मन की एकाग्रता और स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने विशिष्ट लोगों को शिव आमंत्रण मासिक पत्रिका भेंट कर सम्मानित किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। सदियों से मनुष्य के सामने सबसे बड़ी पहेली रही है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। इन सवालों के जवाब पाने के लिए मनुष्य ने तपस्या और कई पवित्र पुस्तकों का अध्ययन किया है, लेकिन आज भी मनुष्य के सामने यह समस्या ज्यों की त्यों बनी है। लेकिन लेस्टर के रहने वाले बेंचमैन को इन्हीं सवालों के जवाब राजयोग द्वारा प्राप्त हुए हैं। ऐसा उन्होंने बताया हार्मनी हाउस में आयोजित द ब्यूटी ऑफ कर्मा कार्यक्रम में। Of all the places in the world, I wound up in the deserts of Abu Dhabi in the United Arab Emirates, and there is where I stumbled into a place called Inner Space. And I sat down and someone looked me right in the eyes and said, "I'm going to tell you who you are and why you're here." And I kicked my feet up, put my hand on my chin, and said, "Oh, okay, let's see. I'm excited." And the truth is, answers were provided. And it's not a static answer. It's not a permanent thing. What it is an ever-evolving return to the essence of who we are and why we're here, which in the end are the two big philosophical and religious questions of our human phenomenon. राजयोग के अपने अनुभवों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि राजयोग अपनी आंतरिक दुनिया में झांकने और उसकी खूबसूरती को महसूस करने का सशक्त माध्यम है। Here with Raja Yoga, you're given the tools and the skill set to go within, to calm your mind, to focus your thoughts, and through a rarefied concentration, discover the sweetness, peace, the beauty that you are. इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारीज में यूरोप और मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती थी। उनके भाषण की शुरुआत उन्होंने योगा और कर्मा की वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करके की। Yoga actually means union of the self with the divine. आगे उन्होंने समय की पहचान देते हुए कहा कि वर्तमान समय हम सबके पास अपने पुराने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने और भविष्य के लिए पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करने का सुनहरा अवसर है। Now we have this opportunity to do lots and lots and lots of good karma because I want to uplift myself, I want to empower myself, I want to be able to know that each thought, each word, each action is going to carry me forward to the destination that I hold in front of me. आगे बीके जयंती ने कार्मिक अकाउंट्स के सेटल होने के कुछ लक्षण बताए और राजयोग के अभ्यास को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। The proof that my karma is being settled, I'm not having to struggle with negativity in my mind. Now, pure, elevated thoughts are more and more natural, and this is what's being reflected in my behavior.
आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।